जो होगा कॉनिक सेक्शन में चार चीज पढ़ना होता है मेन रूप से, एक सर्किल था, एक सर्किल है, एक पाराबोला है, एक इलिप्स है, और एक क्या है, हाइपरबोला है। सर्किल, पाराबोला, इलिप्स और क्या हो गया, हाइपरबोला। आज जो डिस्कस होगा सर्किल के बारे में डिस्कस होगा, वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है, ये जानिएगा। तो पहले इसका डेफिनेशन देखना है। तो सर्किल का डेफिनेशन सिंपल हो गया, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यानी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, साथ रहेगा, ये फिक्स पॉइंट है और इससे फिक्स डिस्टेंस पर बहुत सारा बिंदु लोकेटेड है, इसके फिक्स डिस्टेंस पर बहुत सारा बिंदु क्या है, लोकेटेड है। इस प्रकार से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का, उतना डिस्टेंस इस पॉइंट का, उतना डिस्टेंस इस पॉइंट का, तो ये सब फिक्स डिस्टेंस पर है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको सर्किल कहा जाता है। क्या कहलाता है, सर्किल। कोई दिक्कत है, तो सर्किल का क्या हुआ, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट फिक्स डिस्टेंस, एट क्या हो गया, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। कोई दिक्कत, यानी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट को सेंटर कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंटर। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलिएगा, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस। फिक्स पॉइंट को सेंटर यानी केंद्र, और फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस यानी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत है, तो ये हो गया सर्किल का डिफिनेशन, हो गया क्या, हो गया सर्किल का डिफिनेशन। हिंदी में लिखाना पड़ेगा क्या, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब वृत्त का इक्वेशन समझना कैसे निकलता है, मेन यहाँ पर पढ़ना है वृत्त का इक्वेशन, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, सर्किल। इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, है ना, इक्वेशन निकालने के लिए। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स हो गया और ये वाई, और वाई डैश एक्स और एक्स डैश, कोई दिक्कत है, इसमें कहीं पर एक सर्किल बनाते हैं ऐसा, ये सर्किल बन गया, ये क्या बन गया, सर्किल या सर्कल, जो भी बोलिए, सर्कल बन गया, ठीक है। इस सर्कल में हम क्या करते हैं, सेंटर लेते हैं, ये सेंटर है सर्कल का, ये क्या है, सेंटर है, और सेंटर का तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जब भी एक्स वाई प्लेन पर है तो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा ही, है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, अल्फा बीटा, क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है। और अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट लेने का मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगा वो अल्फा होगा, और यहाँ से ज्यादा दूरी क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि बाई एक्सिस में अलाउ, ये बाई एक्सिस में जो लेंथ होता है वो बीटा हो गया, और एक्स एक्सिस में जो लेंथ होगा क्या हो गया, अल्फा हो गया। कोई दिक्कत है, ये सर्किल है तो इस पर एक मान लेते हैं जनरल पॉइंट, इस पर रेडियस आर मान लेते हैं, रेडियस क्या मान लेते हैं, आर, जैसे कि मान ले ये रेडियस है, रेडियस आर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो सेंटर सर्किल जो माने हैं उसका रेडियस हमने क्या लिए हैं, आर, रेडियस का मतलब त्रिज्या, रेडियस क्या माने हैं, आर माने, इसका केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर जो है अल्फा बीटा, क्या है, अल्फा बीटा, इतना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है इसका समीकरण, समीकरण निकालने के लिए बताएं कि पहले एक जनरल पॉइंट लेना होता है, क्या लेना होता है, जनरल पॉइंट, तो इस पर हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई, क्या मानिएगा, जनरल पॉइंट मानना क्या, हमेशा एक्स वाई लेना होगा, जनरल पॉइंट जब भी लेना है क्या लेना है, एक्स वाई, कोई दिक्कत है, चलिएगा। जब एक्स वाई जनरल पॉइंट निकाल लिए तो बताइएगा इसका सेंट कैसे निकालेगा इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको यहाँ लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए इसको जो सेंटर को यदि ओ मानते हैं, जनरल पॉइंट ए है, तो ओ ए बराबर आर है, ओ ए बराबर दूरी क्या है, आर है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी दूरी निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट पता है अल्फा बीटा, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी दूरी निकल जाएगा, कोई दिक्कत, तो लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगाना है,
डिस्टेंस फॉर्मूला, जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो ओ ए बराबर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और अंडर रूट, और क्या हो जाएगा अंडर रूट। ज्यादा हार्ड है, अब ओ ए के जगह पर आर रखाएगा, क्या रखाएगा आर, तो आर बराबर हो गया एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग जब कर दीजिएगा तो रूट कट जाएगा ना, तो क्या होगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्या हो गया बीटा का होल स्क्वायर और आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया। यही निकल गया इक्वेशन, जनरल इक्वेशन किसका, सर्किल का, वृत्त का। ये जनरल इक्वेशन किसका निकल गया, सर्किल का यानी वृत्त का निकल गया। तो क्या समझे, पहले हमने एक्स वाई प्लेन ले लिए, एक्स वाई प्लेन पर एक सर्किल बना दिए, सर्किल ऐसा बनाया है जिसका सेंटर एक्स अल्फा बीटा हो, कहीं भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें या इसमें कहीं भी हो सकता है, इस पर भी रहेगा, सेंटर भी रहेगा, जहां मन तहां रह सकता है। लेकिन ये अभी जनरल टर्म दिए हैं, ऐसे जहां मन तहां फेंक दिए हैं ना, यहाँ पर फेंका गया तो दिक्कत, इसका सेंटर क्या हो गया अल्फा बीटा, रेडियस क्या है आर है, रेडियस क्या है आर है, तो एक रेडियस इसे खिंचा गया है ना। अब इस पर इक्वेशन निकालने के लिए, समीकरण निकालने के लिए सर्किल पर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स बाय, क्या लेते हैं एक्स बाय, तो दो पॉइंट मिल गया तो आराम से निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगकर, रेडियस निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का क्या हो गया अंडर रूट। ये टेंथ क्लास में पढ़े थे ना, दूरी बराबर होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, फिर सबका क्या होता है अंडर रूट, तो वही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज हुआ है। कोई दिक्कत, दिक्कत यहाँ रखे, अब वो एक जगह पर आर रखा गया, क्या रखा गया आर रखा गया, अब इधर जैसे था उसे रह गया, स्क्वायरिंग कीजिए दोनों तरफ, ये रूट कट जाएगा और आर का क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया, यही निकल गया जनरल इक्वेशन। कोई दिक्कत, लिखिए इसको। देखिए यदि समझ में आ रहा तो ठीक है, अभी जो एक जो जनरल जनरल इक्वेशन निकाले थे सर्किल का, अब अलग अलग कंडीशन में इक्वेशन कैसे निकलता है उसके बारे में देखिएगा, और आपको सेंटर और रेडियस पता रहेगा ना। जैसे कि देख लीजिएगा, पहला एक कंडीशन लेते हैं, पहले जनरल वाला लिख देते हैं, जनरल वाला में क्या था पता है, एक्स वाई एक्सिस था, कहीं भी वृत्त ले लीजिए, कहीं भी क्या लीजिए वृत्त ले लीजिए, और उसका सेंटर मालूम है अल्फा और क्या है बीटा है, सेंटर अल्फा बीटा है, कोई दिक्कत, तो इसका रेडियस क्या है आर है, रेडियस क्या है आर, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ये वृत्त हो गया, सेंटर जो है अल्फा और क्या है बीटा है, और रेडियस क्या है आर है। इसका इक्वेशन निकालना है तो एक अपने मन से पॉइंट एक्स वाई लेना होता है, क्या लेना होता है एक्स वाई, और डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका दूरी निकाल लिया जाता है ना, डिस्टेंस से निकालिएगा तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अब बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, ये निकल गया जनरल इक्वेशन किसका, सर्किल का, ये निकल गया जनरल इक्वेशन। कोई दिक्कत, अब अलग अलग केसेस लेके चलेंगे, अलग अलग केसेस क्या रहेगा कि यदि सेंटर ओरिजिन पर हो, सेंटर क्या हो ओरिजिन पर, यानी सेंटर अब ओरिजिन पर रहेगा, सेंटर इज एट ओरिजिन, एट क्या हो गया ओरिजिन यानी केंद्र मूल बिंदु पर, केंद्र कहां है मूल बिंदु पर है, तो क्या होगा देखिए, केंद्र जब मूल बिंदु पर रहेगा तो इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, ऐसा इधर एक्स, इधर एक्स डैश, ऊपर बाई और नीचे क्या हो गया बाई डैश, कोई दिक्कत है, इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये होगा जीरो जीरो, मूल बिंदु क्या होता है जीरो जीरो, ठीक है, आर ये रेडियस कितना होगा आर होगा, रेडियस क्या होता है रेडियस आर हो गया। इस पर इक्वेशन निकालने के लिए वो जनरल पॉइंट लेना होगा एक्स बाई, फिर वही कहानी, इक्वेशन निकालने के लिए जनरल पॉइंट क्या लेना होगा एक्स बाई होगा। अब समीकरण क्या निकलेगा इसका बता सकते हैं, समीकरण जो होगा एक्स डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अब बराबर क्या रह गया आर स्क्वायर, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इस प्रकार से निकल गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर क्या हो गया
आर स्क्वायर। तो ये ऐसा इक्वेशन कब होगा, जब सेंटर जीरो जीरो रहेगा तब, यानी ओरिजिन पर रहेगा तब, कोई दिक्कत। दूसरे कंडीशन देखिएगा, अगला कंडीशन, अब क्या है, सर्किल का जो सेंटर है एक्स एक्सिस पर है, सेंटर कहां है, एक्स एक्सिस पर है, सेंटर जो रहेगा एट एक्स एक्सिस, और दूसरी बात एक्स एक्सिस पर सेंटर भी रहेगा और वाई एक्सिस को टच भी करेगा, वाई एक्सिस क्या कर रहा, टच कर रहा या टच नहीं कर रहा हो, देखिए दोनों लेग चलते हैं, जैसे कि ये सर्किल है, ठीक है, ऐसा सर्किल है और सेंटर हो गया एक्स एक्सिस पर, यहाँ सेंटर हो गया, ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा, रेडियस आर रहेगा हमेशा के लिए, रेडियस क्या रहेगा आर, जब रेडियस आर है तो बताइएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा आर, समझ जाएगा, ये आर हो गया, सॉरी ये सेंटर जो होगा पहले क्या होगा, सेंटर बता सकते हैं, अल्फा और क्या होगा जीरो होगा, बीटा इसमें नहीं रहेगा, रहेगा अल्फा जीरो होगा, जनरल पॉइंट मान लीजिए एक्स बाई, क्या मान लेते हैं एक्स बाई, ये रेडियस आर हो गया, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वही फिर क्या लगेगा, कितना आसान है ना, इधर रहेगा ध्यान बोर्ड पता ना, आसान लगेगा, नहीं समझ आ रहा है कि ये समझ में आया, तो ये नहीं आ रहा है, तो ध्यान नहीं इधर तो कहां से आएगा समझ में, ज्यादा तो यहाँ थोड़ा छोड़ रहे हैं। अभी हमने क्या बताया कि सर्किल ऐसा बनाना है जिसमें सेंटर एक्स एक्सिस पर है, कहां पर है एक्स एक्सिस पर, देखिए वैसा सर्किल बन गया, केंद्र एक्स एक्सिस पर है कि नहीं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्स डैश किस, तो घसक नहीं सकते हैं, बाई बायस अष्टे मूर्ति है क्या, आप मूर्ति नहीं ना कि जहां स्थापित कर दिया गया वहीं पर जब तक विसर्जन दिन नहीं आएगा वहीं तक स्थापित रहेंगे, है ना, तब अब दिखा, चलिए तो इस पर जब सर्किल रखा हुआ है तो सेंटर क्या लिखाएगा, एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होता है वो जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो अल्फा जीरो होगा, क्या होगा, तो ये केंद्र हो गया अल्फा, जैसे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु बताया था ना अल्फा जीरो या ए जीरो या तो एक्स जीरो, है ना, इस तरह से लिखाता है, तो केंद्र होगा अल्फा जीरो, इसमें बाई बीटा नहीं होगा केवल अल्फा रहेगा, रेडियस आ जाएगा, इस पर जनरल पॉइंट हम एक्स बाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स बाई, ठीक है, तो इसका समीकरण कैसे निकलेगा, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा आर स्क्वायर, तो क्या लिखे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, तो ये इक्वेशन कब निकलेगा, जब एक्स एक्सिस पर रहेगा तब निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखिए, चलेगा, अब देखिएगा बाई एक्सिस को टच कराना है, किसको कराना है बाई एक्सिस को, जब सेंटर जो रहेगा सेंटर सेंटर रहेगा एट बाई एक्सिस, जैसे कि सर्किट ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश ऊपर बाई नीचे क्या हो गया बाई डैश, है ना, ये सर्किल बन गया, वृत्त यहाँ पर बन गया ऐसे, ठीक है, और सेंटर कहाँ है बाई एक्सिस पर है, तो इसका सेंटर क्या होगा जीरो बीटा, क्या होगा जीरो बीटा, अल्फा नहीं होगा, होगा बाई एक्सिस पर अल्फा जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और इस पर इक्वेशन खींचने के लिए एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स बाई, चाहे इधर ले लीजिए एक्स बाई, एक्स बाई लेते इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ये रेडियस क्या हो गया आर हो गया, तो फिर वही होगा समीकरण जो निकलेगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, तो इम्प्लाई क्या लिखा गया यहाँ पर बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये निकल गया समीकरण, ये क्या निकल गया समीकरण, कोई दिक्कत है, तो कहीं भी सर्किल रहेगा आराम से इक्वेशन निकल जाएगा। एक कंडीशन और देखते हैं, दोनों एक्सेस को टच कर रहा हो, टच किसको कर रहा है, ये सर्किल टच कर रहा हो बोथ एक्सेस, यानी स्पर्श करता हो दोनों अक्षों का,
अच्छों का स्पर्श करता हो ना, स्पर्श करता हो। जैसे कि देखिएगा ऐसा सर्किल है, दोनों अक्ष को टच कर रहा है यहां से ऐसे करके, इधर x हो गया इधर x डैश, ऊपर y या नीचे क्या हो गया y डैश, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? x x डैश y और क्या हो गया y डैश, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका क्या होगा इक्वेशन ये बताना है। तो जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ध्यान दीजिएगा ना, रेडियस r है ना, तो बताए यहां से यहां तक दूरी क्या होगा r होगा, और यहां से दूरी भी क्या होगा r ही होगा, नहीं होगा? तो जब दोनों डिस्टेंस r होगा तो सेंटर क्या होगा r r, सेंटर क्या हो जाएगा r और r हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो सेंटर भी r r रहेगा क्योंकि रेडियस इसका क्या है r है, तो दोनों डिस्टेंस r है तो सेंटर क्या रहेगा r r रहेगा, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है, थोड़ा सा देख कर मोबाइल को गया। गजब है। चलिए देखिएगा, ये भी आर, ये भी आर है, रेडियस भी आर है, रेडियस भी क्या है आर है, तो इसका जनरल पॉइंट एगो एक्स बाई मानते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स बाई, जनरल पॉइंट एक्स बाई माने ये मिलाइए तो रेडियस आर हो गया, रेडियस क्या हो गया आर। ये आर आर कैसे लिखा है पता है, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो सेंटर है ये यहां से दूरी, यहां से इधर से ये जो डिस्टेंस है अल्फा कहलाएगा, ये डिस्टेंस क्या है बीटा कहलाएगा, पता है? तो ये भी रेडियस से है, ये भी क्या है रेडियस से है, इसलिए आर आर हो गया, क्या हो गया अल्फा बराबर भी आर और बीटा बराबर क्या हो गया आर हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर हम एक जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लेते हैं, अब एक्स वाई लिए हैं तो रेडियस क्या होगा कैसे निकले जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस आर का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, इस प्रकार से ये इक्वेशन निकलेगा, कोई दिक्कत? तो किसी भी प्रकार का सर्किल हो आपका जनरल समझ में आ गया तो सब निकल जाएगा, एक्स सेंटर एक्स पर हो, सेंटर बाई पर हो, सेंटर ओरिजिन पर हो, या एक्सिस को क्या कर रहा हो टच कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ टच किया तब इधर टच करेगा तो क्या होगा, यदि इधर टच करेगा सर्किल ऐसा टच करा तो क्या होगा, अब इसका जब टच करेगा तो देखिए इधर हो गया इधर हो गया, ये हो गया माइनस आर, ये माइनस, इसका तो सेंटर होगा ना, ये वाला प्लस में रहेगा आर, लेकिन ये आर क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पर होगा आर माइनस आर, आर और क्या हो गया माइनस आर, ये सेंटर होगा प्लस आर और क्या होगा माइनस आर, रेडियस वही रहेगा आर, तो इसका इक्वेशन निकाल कर बताना है खुद, है ना? कैसे निकलेगा इक्वेशन, जो देखिए एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस आर होगा, माइनस माइनस कर देगा बाई प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर रहेगा। चलिए ठीक है, नोट।